गाइस वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्सी। यहाँ पर इंटरनेशनल फ्रेंडली लीग का मैच हो रहा है अल्बानिया वर्सेस बुल्गेरिया के बीच 9:30 बजे। एंड बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है, सो बढ़ते हैं आगे। तो बात करें अगर हम इस मैच के अल्बानिया एंड बुल्गेरिया में जो मैच हो रहा है इसके अंदर मैं फेवर करूँगा अल्बानिया को। अल्बानिया टीम बुल्गेरिया से बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब आज मैंने आपको एक जैकपॉट लिस्ट देनी है अपने टेलीग्राम चैनल पे, उस लिस्ट में शायद मैं वाला मैच देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आज बहुत, आप मानोगे नहीं, जैकपॉट के लिए मैं मैच तैयार कर रहा था। पर मैच तो मैं रोज़ ही बनाता हूँ, टीम में रोज़ बनाता हूँ, पता होता है कि क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। तो कहीं पर डिसअपॉइंटेड भी हो जाते हैं अपने आप से कि ये क्या हो गया, लेकिन क्या है कि आज मौका है बहुत ज़्यादा अच्छा, तो कोशिश करेंगे पूरी। सबसे पहले लेंगे अल्बानिया का एक प्लेयर जिसका नाम है सोकॉल। सोकॉल को आपने अलग अलग लीग्स में देखा होगा, आई थिंक ये पता नहीं कोरियन लीग में खेलता है शायद, कुछ ऐसी है, कोरियन जैपनीज टाइप की लीग है शायद, कोरियन लीग ही है। तो वहाँ पर देख खेलता था पहले खेलता था, तो वहाँ पर इसने खूब नाम कमाया। बीच में जब ये इंजर्ड हो गया ना तो काफ़ी दिन के लिए गायब हो गया था, आज से कुछ महीने पहले। तो उसके बाद जब ये आया तो वैसी वापसी हुई नहीं जो ये खिलाड़ी रखता था दम, क्योंकि इसमें इतना दम था, ये एक एक मैच में 3-3 गोल यूँ ही कर देता था, लेकिन बेचारा अब थोड़ा वीक हो गया है। अगले प्लेयर की बात करें, यहाँ पर है टॉलेंट सेफेरी। लास्ट सीज़न तो कमाल था इस बंदे का, लास्ट सीज़न के अंदर इस बंदे ने जो गेम प्ले दिया था ना, उसका क्या कहूँ मैं आपको, मतलब टी सेफेरी ने जो लास्ट सीज़न बहुत अच्छा खेला था। मैं इंटरनेशनल की नहीं बात कर रहा, मैं फ्रेंचाइजी की बात कर रहा हूँ, जो ये डोमेस्टिक लीग में खेलता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन था इस खिलाड़ी का, गोल रेशियो भी 50% से ऊपर था, जो कि बहुत है एक स्ट्राइकर के लिए। और आगे से ऑपोजिशन टीम की बात करें तो देखिए, आगे से ऑपोजिशन टीम का मैं लूँगा बुल्गेरिया का एक प्लेयर स्पेस, या तो इसको लूँगा या रूसफ को। बाकी रूसफ के साथ जाने का मेरा कोई ऐसा चांस वांस नहीं है, सो मैं उसी के साथ जाऊँगा। और अगर आप उजूनी को लेना चाहते हैं यू कैन गो विद उजूनी, ये भी बेटर प्लेयर है। आगे से मिडफील्डिंग सेक्शन की अगर बात करें, यहाँ पर है बुल्गेरिया का एक प्लेयर डेस्पेडोफ से कुछ खास एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन पेनल्टी टेकर है। सो पेनल्टी वाले से एक्सपेक्टेड हो ना हो, पेनल्टी कई बार आ जाती है तो बड़ा दुख होता है जब हमारी टीम में प्लेयर नहीं होता, जबकि इस बारे में हमें पता भी है कि वो पेनल्टी ले सकता है। कि फाउल, देखो फाउल का हमें कुछ नहीं पता, क्या पता अल्बानिया फाउल करे या बुल्गेरिया करे और सामने वाली टीम को कहीं पेनल्टी मिल गई गलती से, तो दुख हमें बहुत होगा, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। और आगे से ऑपोजिशन टीम की बात करें, बजरमी को लूँगा। बजरमी के बाद ना ये आजकल ना बड़ी अच्छी फॉर्म में है, ये कहाँ गया, ये जे आसानी बहुत अच्छी फॉर्म में। ऐसा है कि मैं आपको कहूँगा, आप ऐसा करो दो मिडफील्डर्स लो, या अभी असलानी को लेना है आप असलानी को लो सेफ जाने के लिए, रिस्क लेना है तो असानी को लो, दोनों का नाम एक जैसा है, बट मैं जिसको बोल रहा हूँ आप ध्यान से देख लो, ठीक है। एंड बात करें यहाँ पर ऑपोजिशन टीम के खिलाड़ी की, तो देखिए उनका एक प्लेयर है इवेलियो के साथ तो मेरा मन है नहीं, मैं एम पेटकोव के साथ जाऊँगा, क्योंकि मैंने उसको परखा हुआ है, मेरे को पेटकोव और यंकोव अच्छे लगते हैं, और एम पेटकोव के तो क्या ही कहने, बहुत ही अच्छा है ये तो। एंड आगे से अगर बात करें यहाँ पर डिफेंडिंग सेक्शन की, हाईसेच को लेंगे। हाईसेच के बाद अगला प्लेयर है इनकी, और इनकी डिफेंडिंग कमाल है, मतलब बैरेट हो गया, बड़ी बड़ी लीग्स में, ये इंटर मिलन में खेलता था और ये बंदा नेपोली में खेलता है, उसके बाद नेपोली के बाद ना नहीं नेपोली में थोड़ा था ऐसा, हाईसेच शायद लाजियो में था यार, लाजियो में, नेपोली में नहीं है सॉरी दोस्तों, लाजियो में शायद खेलता था, ठीक है। उसके बाद और बात करें तो इनके बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, मतलब मेरे को इनके ऊपरले प्लेयर तो बहुत अच्छे लगते हैं, और इनका जो मेरे को फोर्थ डिफेंडर है जिसका नाम है इवान बेल्यू, ये भी कमाल है, मैं इसके साथ जाऊंगा। आगे से अगर बात करें देखिए गोलकीपिंग की, यहाँ पर लूँगा बुल्गेरिया का गोलकीपर जिसका नाम है इवान के साथ जाएंगे, लेट्स सी क्या प्रदर्शन करता है। बात करें कप्तान की, कप्तान है हमारा एस किकलेशी, वाइस कैप्टन है हमारा टी सफेरी, नहीं रखना सफेरी को, देन एन बजरामी को रख सकते हो। बाकी ये मेरी टीम है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।